You're a superhero. हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू फास्ट फोटो चेंजिंग वाला स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, आज का जो एडिटिंग है बहुत ही मस्त एडिटिंग है। सो आई होप कि आपको ये प्रीव्यू वीडियो देखने में बहुत ही मस्त लगा हो। सो गाइस, इस वीडियो को हम काइन मास्टर ऐप से बनाएंगे। अगर आपको काइन मास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली उसके लिए मेरे को आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, बट इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसा ही करना, आपका वीडियो पूरा परफेक्ट बनेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपका वीडियो अच्छा ना बने, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। सो गाइस, सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आना है, फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, सेकंड नंबर का साइज को सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, फिल करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिलहाल तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है फिल करके, अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर आपको इधर जो आपका फोटो है, पहले आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, आपको एक बार में ही सारा फोटो सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि पहले आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ कितना 13 इमेज को सिलेक्ट करना है। ओके, सो गाइस, मैं अपना कोई भी 13 फोटो को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 13 फोटो को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग दे सकते हो, तो आपको 13 फोटो को सिलेक्ट करना है। सो गाइस, जैसे आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको इस वाले जो सॉन्ग वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं सॉन्ग किस प्रकार से देता हूँ आपको, तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो। सो आपको इस वीडियो को एडिट करना है, फिर आपको सिंपली नीचे आना और यहाँ पे स्ट्रैक ऑडियो पे क्लिक करना है, इस वीडियो को डिलीट कर देना है। सो अब गाइस, हमें करना क्या है, ये जो 13 फोटो है पहले इसको ट्रिम करना है। तो उसको ट्रिम करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको घींच के बड़ा कर देना है, दो उंगली से घींच के बड़ा कर लेना, इतना तो आप जानते ही होंगे। ओके, सो इतना भी बड़ा मत करना। तो आपको करना क्या है, एक बीट यहाँ पे शुरू में जो छोटा सा बीट है इसको छोड़ देना है, यहाँ पे आना है और इस बीट के स्टार्टिंग पॉइंट पे अपनी इमेज को ट्रिम करना है। तो अपनी इमेज को ट्रिम करने के लिए सिंपली आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैची के आइकन पे क्लिक करना है, ऊपर आप लोग देख सकते हो। फिर आपको सिंपली सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। ओके, सो इसी प्रकार से आपको ट्रिम करना है। फिर जो अगला बीट है इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आना और यहाँ पर ट्रिम करना है। फिर जो उसके आगे बीट है इसके स्टार्टिंग पॉइंट में आना और यहाँ पर ट्रिम करना है। उसके बाद ये फोटो हमारा इसका जो लेंथ है थोड़ा ज़्यादा होगा, तो फिर आपको आगे आना है और यहाँ पे बीट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 बीट है। ओके, तो इस तीनों बीट पे मैंने ट्रिम कर लिया है। फिर आपको आगे आना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर से यहाँ पे जो 3 बीट है, इन 3 बीट पे आपको इस प्रकार से अपनी इमेज को ट्रिम करना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको घींच के बहुत बड़ा कर दिया, इसलिए मेरे को दूर लग रहा है, लेकिन आप में जो बहुत ही ये नज़दीक होगा, तो इसलिए आप इसको पहले घींच के बड़ा कर लेना। ओके, सो फिर यहाँ पे 2 इमेज को ट्रिम करना है। उसके बाद यहाँ पे जो बीट है छोटा वाला बीट, इसको स्किप कर देना है। फिर आपको आगे आना है, यहाँ पे बीट के स्टार्टिंग पॉइंट पे ट्रिम करना है और दूसरा इमेज यहाँ पे ट्रिम करना है, जो हमारा तीसरा इमेज यहाँ पे ट्रिम करना है। ओके, मेरे हिसाब से 3 बीट ही है, शुरू में जो है 3 ही बीट है, हर जगह पे 3 बीट है। सो तीनों बीट पर आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, 7.500 सेकेंड के आसपास आपको अपनी जो लास्ट इमेज रहेगा उसको ट्रिम कर देना है। तो इतना आपको कर लेना है। इतना करने बाद सिंपली आपको, तो गाइस आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका सेटिंग है, तो सिंपली आपको इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है, और ये जो फोटो ड्यूरेशन का ऑप्शन है इसको आपको 0.4 सेकेंड करना है, 0.5 सेकेंड से एक लाइन लेफ्ट साइड। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो जिस प्रकार से मैंने किया। ओके, आपको इस प्रकार से कर लेना है, फिर आपको डन करना है, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी फोटो को फिर सेलेक्ट करना है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, आपको जो यहाँ पे फोटो लगने वाला है, अब मेरे हिसाब से आपका फोटो लगेगा तो 40 इमेज, मतलब 40 इमेज के आसपास यहाँ पे आपका फोटो लगने वाला एक्स्ट्रा इमेज, जो फिर से हमारा लगेगा उस जो 13 फोटो को छोड़ के। ओके, तो आप अपनी फोटो को जल्दी जल्दी आप सिलेक्ट कर लेना, 40 फोटो तो नहीं लगेगा, लेकिन उससे कम मेरे हिसाब से 36 फोटो या 37 फोटो लग जाएगा। तो आप उतना फोटो को आप सिलेक्ट कर लेना। सो गाइस, मैं यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले।
देखो गाइज, अगर आप वो तेरा इमेज को एड करके ट्रिम कर लेते हो अपनी इमेज को, फिर आपको अपनी अपनी इमेज को गिनने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे आपका सॉन्ग का लास्ट है वहीं पे आपको अपनी इमेज को छोड़ देना है, एड नहीं करना है ट्रिम, मतलब अपनी जो इमेज रहेगा उसको एड नहीं करना है। जहाँ पे हमारा सॉन्ग खत्म हो जाता है वहाँ तक हम छोड़ देंगे उसके बाद एड करके। तो ये सब जो इमेज है हमारा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी इधर हमने अपनी इमेज को ट्रिम कर ही लिया था, अब आपको करना क्या है। सो गाइज देखो, जो भी मैंने आपको बताया, सो आई होप कि आपको आपने उसको अच्छे से फॉलो किया होगा, तो आपका वीडियो पूरा परफेक्ट बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, जो हमें मतलब क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है, दो क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है बीट सिंस ऐप से। पहला है स्वीट लिस्ट, दूसरा है हेलोविन पार्टी। तो हेलोविन पार्टी, स्वीट लिस्ट, ये दोनों आप बीट सिंस ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको बीट सिंस ऐप से क्लिप ग्राफिक्स इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैंने कल वाली वीडियो में ही बताया है, वीडियो के बीच में, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। नहीं तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, तो आप सीख जाओगे। ओके, सो हेलोविन पार्टी कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैंने कल वाली वीडियो में बनाया मतलब बताया है, वो जाके आप देख सकते हो अगर चाहते हो तो। सो गाइस, अब करना क्या है, अपनी क्लिप ग्राफिक्स को एड करना। अब जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से अपनी क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पे एड करना है। यहाँ पे जो हमारा पहला तीन इमेज है, इन तीनों इमेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा स्वीट लिस्ट क्लिप ग्राफिक्स है, इससे हम दो नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे टू नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे शुरू के तीन इमेज में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें सिलेक्ट किया। फिर जो चौथा इमेज रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, स्वीट लिस्ट से आपको सिलेक्ट करना है फाइव नंबर वाला, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। इतना आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो इस प्रकार से फोटो गिर रहा है नीचे। ओके, तो हमें करना क्या है, जो आगे का जो दो इमेज है, ये इमेज को छोड़ के जिसका लेंथ ज़्यादा है, इसको छोड़ के उसके बाद जो हमारा पूरा मतलब छोटा छोटा लेंथ जो है दो इमेज का, यहाँ पे दो सेकेंड पे, इसमें हम क्या करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स सेलेक्ट करेंगे स्वीट लिस्ट से, लेकिन उसका उल्टा सेलेक्ट करेंगे। उसमें जैसे फोटो यहाँ पे गिर रहा था, अब हमें क्या करना है, इसको उसी साइड उसी ड्यूरेशन में हमें इसको ऊपर करना है। तो उसके लिए हमें 19 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है, 19 नंबर वाला। ओके, स्वीट लिस्ट से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दो इमेज है यहाँ पे दो सेकंड पे, इधर चार इमेज को छोड़ के ये दोनों इमेज में हमें 19 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स सेलेक्ट करना है स्वीट लिस्ट से। ओके, उसके बाद जो फिर एक इमेज है तीन सेकंड पे लेंथ जो है, जिसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, उसमें आपको स्वीट लिस्ट से फिर से फाइव नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है। फिर आपको आगे जाना है और दो इमेज में, अब गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लिप ग्राफिक्स से, आपको आप ये सेलेक्ट कर सकते हो या तो 13 नंबर वाला, मेरे हिसाब से पहले आप ये सिलेक्ट करना तो अच्छा रहेगा। ओके, 7 नंबर वाला आपको सिलेक्ट करना है। ओके, 7 नंबर वाला आपको सिलेक्ट करना है, 13 नंबर वाला कोई सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अगर आपने एक में 7 नंबर वाला सिलेक्ट किया तो दूसरा में भी 7 नंबर वाला ही सिलेक्ट करना। फिर जो तीसरा इमेज रहेगा जिसका लेंथ ज़्यादा है, उसमें आपको फिर से सिलेक्ट करना है स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला। तो ये बात आप ध्यान में रखना, जो भी इमेज का लेंथ ज़्यादा है उसमें हम स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को ही एड करेंगे। यहाँ पे आपको एड कर लेना है। गाइस, यहाँ पे आप लोग देखते हो तो उधर हमने सेलेक्ट किया था 7 नंबर वाला स्वीट लिस्ट से, तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा सेलेक्ट करेंगे इधर। इसमें जो उसका जो उल्टा है 7 नंबर का, वो है 13 नंबर वाला। तो हम क्या करेंगे, स्वीट लिस्ट से 13 नंबर वाला दो इमेज में एड कर लेंगे। उसका जो तीसरा इमेज है, इसका लेंथ ज़्यादा है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें हमें क्या करना है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। गाइस, वीडियो थोड़ा छोटा बनाने के चक्कर में मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दिया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो 13 इमेज हमने एड किया था उसका काम हो चुका है, उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे जो हमने बाद में इमेज एड किया है, जिसका लेंथ हमने 0.4 सेकेंड सेलेक्ट किया था, वो जो इमेज बचा है, इसमें हम क्या करेंगे, एक ही क्लिप ग्राफिक्स को रिपीट कर देंगे शुरू से लेकर एंड तक। शुरू से नहीं, 7 सेकेंड से जो भी इमेज आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको सभी इमेज में एक ही क्लिप ग्राफिक्स को रिपीट कर देना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्लिप ग्राफिक्स आपको लगाना है हेलोविन पार्टी से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेलोविन पार्टी से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स जो है शुरू से लेकर एंड तक जितना भी इमेज है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रीव्यू वीडियो में देखा ही होगा कि जो हेलोविन पार्टी है, मतलब सॉरी गाइस, जो यहाँ से 7 सेकंड से लेकर जो बीट है लास्ट तक पूरा सेम ही बीट है, तो उसमें हम सेम ही क्लिप ग्राफिक्स एड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, इस बीट पे जो हेलोविन पार्टी है मेज बहुत ही अच्छा करता है। और गाइस, यहाँ पे आप लोग देखते हो, यहाँ पे मैंने दो इमेज सेलेक्ट कर दिया था, लगता है उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप लोग देखते हो आपको सभी इमेज में हेलोविन पार्टी से इधर 10 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है। मैं गाइस फिर से आपको समझाता हूँ, जो हमने शुरू में 13 इमेज को एड किया था ना, उसमें हम स्वीटली सेलेक्ट करेंगे, उसको सही से एडजस्ट कर लेना आप। उसके बाद जो भी इमेज इधर हमने एड किया था बाद में, उसमें हमें हेलोविन पार्टी से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को एड करेंगे। ओके, गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैंने आपको क्या बताया है। तो
आपको मतलब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर इधर थोड़ा ज़्यादा फोटो है तो थोड़ा ज़्यादा आपका टाइम लगेगा इधर क्लिप ग्राफिक्स को एड करने में, लेकिन आप एक वन बाय वन करके सभी इमेज में हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना। ओके, सो एंड तक आपको सभी में क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। आपने मेरे प्रीव्यू वीडियो में देखा होगा कि मैंने 7 सेकंड से लेकर जो लास्ट 27 सेकंड तक जो वीडियो है पूरा मैंने हेलोवीन पार्टी ही सिलेक्ट किया था। सो गाइस, मैंने 15 सेकंड तक सिलेक्ट कर लिया, मतलब इधर मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप सिलेक्ट कर लेना सबसे, मतलब जितना भी इमेज रहेगा सभी इमेज में। ओके, सो इतना जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपको शुरू में आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले टेम्पलेट वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके एडिट कर लेना। ओके, सो गाइस, आपको इसको एड करना है, साइज को इस प्रकार से बनाना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको स्क्रीन करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट निकाल के इसको इस साइड लगा देना, क्योंकि ये जो इफेक्ट है बहुत ही छोटा है, तो इसको इस साइड आप इस प्रकार से स्लाइड करके लगा देना। इस प्रकार से आप लोग देखते हो, इस पर आप प्रेस करके रखोगे तब इसको स्लाइड करोगे तो इधर उधर ये जाएगा आराम से। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इतना कर लेने के बाद हमारी वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। अब गाइस, मैं थोड़ा सा वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, वीडियो कैसा बना, ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, मेरा वीडियो पूरा परफेक्ट बना है। सो गाइस, फिर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, वीडियो हो गया बहुत ही लंबा, इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। सो गाइस, बस आज के लिए इतना है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।